हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं टेक्निकल रिंकू चैनल को। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि यूट्यूब चैनल पर कीवर्ड्स कैसे लगाएं कि जिससे आपका चैनल सर्च में आए। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर गूगल पे सर्च करना है कीवर्ड्स टूल। जैसे कि आपको दिख रहा है कीवर्ड टूल, जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपके यहाँ सेकेंड नंबर पर साइट आएगी कीवर्ड टूल्स। इस पर आपको क्लिक करना है। पे क्लिक करते ही आपको वो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा टाइप्स ए कीवर्ड एंड प्रेस। तो यहाँ पे आपको लिख देना है टेक्निकल, जिस जिससे भी रिलेटेड आपकी जो वीडियो है वो लिख देना है। मेरे को टेक्निकल की टैग चाहिए तो मैं टेक्निकल लिख रहा हूँ, तो इसलिए मेरे को यहाँ टेक्निकल लिख दिया है। आपकी जो जो भी चैनल हो उसका लिख देना आप। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर टेक्निकल में जो ये सभी जितने भी आ रहे हैं कीवर्ड्स, इन सभी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो सिंपली आपको इस पर ये टच करना है, जिससे ये टिक हो जाएगा तो आपका ये जो है सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ जैसे आप सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कॉपी का ऑप्शन दिख रहा है, कॉपी हो जाएंगे इससे यहाँ पर। और फिर आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है और क्रोम ब्राउज़र पर जाकर आपको सर्च करना है स्टूडियो यूट्यूब डॉट कॉम। जैसा कि आप देख सकते हो, जिससे आपका स्टूडियो ऑन हो जाएगा। जैसे आप अपना स्टूडियो को ऑन कर लेते हो, जैसे आप स्टूडियो गाइस ऑन करते हो तो आपको कुछ देखने को मिलेगा, जिससे कि अभी मेरा ऑन हो जाएगा थोड़ी देर में। जैसे कि आपको यहाँ नीचे सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा कोने में, कॉर्नर में दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हो ये नीचे सेटिंग का ऑप्शन है, इस पर इसलिए आपको टच करना है। जैसे कि मैं इस पर से क्लिक कर देता हूँ, जैसे क्लिक करूँगा मेरे को यहाँ पर सेकेंड इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पे आपको चैनल पर क्लिक करना है। एंड जैसे आप चैनल पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ ऐड कीवर्ड का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आपको ऐड कीवर्ड्स पे अपने जो है टैग उनको पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैंने टैग पेस्ट कर दिए हैं। तो गाइस, अभी मेरे पास थोड़ी और जगह रह रही है कीवर्ड्स लगाने की, तो मैं थोड़े कीवर्ड्स और सिलेक्ट कर लेता हूँ। वापस मैं अपने गूगल पर आ जाता हूँ और पहले वाले टैग्स को मैं हटा देता हूँ कीवर्ड्स को, और फिर नए जो कीवर्ड्स हैं मैं उनको कॉपी कर लेता हूँ। जैसे कि नीचे से मैं नए जो है टैग को सिलेक्ट कर लेता हूँ और ऊपर वाले जो मैंने सिलेक्ट किए थे उनको मैं हटा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने इनको हटा दिया, अभी इसे कॉपी कर लेता हूँ और डायरेक्ट इसे आके वापस पेस्ट कर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, ये जो टैग हैं ये भी मेरे यहाँ पर लग चुके हो, आप अपने सेव कर देना। जैसे आप सेव कर दोगे तो आपके जो कीवर्ड्स हैं वो सेव हो जाएंगे। जैसा कि मैं आपको वापस दिखा देता हूँ ऑन करके, देख सकते हो आप गाइस। गाइस आप देख सकते हो हमारे जो टैग्स हैं वो सेव हो चुके हैं। तो धन्यवाद गाइस, वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच गाइस।